हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो अनीमिया बीमारी होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है खून की कमी से। और ये हमारे देश की महिलाओं में बहुत ज़्यादा मिलती है। 80 से 90% महिलाओं में खून की कमी होती ही होती है, चाहे वो ज़्यादा कमी हो या किसी में बहुत थोड़ी कमी हो, लेकिन महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। वैसे इसको बीमारी नहीं कहते हैं, लेकिन इसकी वजह से और बहुत सी बीमारी हो सकती है, तो वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनीमिया के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत बार कमेंट किया कि मैडम अनीमिया पे वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के हाईली रिक्वेस्टेड ये वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, देखिए वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर वन है प्लाज्मा, नंबर टू है रेड ब्लड सेल्स, नंबर थ्री है वाइट ब्लड सेल्स और नंबर फोर है प्लेटलेट्स। इन चार चीज़ों से हमारा ब्लड मिलकर बनता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, आयरन और विटामिन सी मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और उस हीमोग्लोबिन की हेल्प से जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्फूर्ति मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है और हमारा मन भी अच्छा रहता है, अगर पूरी बॉडी में सही मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है, या तो इनकी मात्रा कम हो जाती है या आकार में छोटी हो जाती है, तो इस वजह से पूरी मात्रा में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और हमें थकान लगती है, कमजोरी लगती है। तो इसको बोल देते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी को, कि खून की कमी हो गई है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हमारे ब्लड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है। इसका रंग लाल होता है, इसी की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल दिखता है। इसके अलावा विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड की कमी हो जाने से भी खून की कमी हो सकती है और एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो अगर ऐसा कुछ है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो चिड़चिड़ापन रहता है, थकान रहती है, जब भी कोई काम करते तो जल्दी थक जाती है, टांगों में ऐसा लगता है कि जकड़न सी हो रही है, टांगों से चला नहीं जाता है, जब भी सो के उठते हैं या बैठ के उठते हैं तो एकदम सिर घूम जाता है, सिर भारी रहता है, सिर में कई बार दर्द भी होने लगता है, कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं। हीमोग्लोबिन की जैसे मात्रा की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 11 से 16 तक ये महिलाओं की रेंज होती है। 11 पॉइंट से लेके 16 तक अगर होता है किसी महिला में, तो वो एकदम सही मात्रा में हीमोग्लोबिन है आपके ब्लड में। अगर इससे कम है, 10 है, 9 है, 8 है, तो ये खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या फिर इसको अनीमिया भी बोल सकते हैं। ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, 5-6 तक पहुँच जाता है, तो त्वचा पीली पड़ जाती है और रोगी बहुत थकावट महसूस करता है और ऐसे लगता है जैसे वो एक तरीके से बीमार हो गया हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो गया हो, इस तरह के लक्षण नजर आते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसके खासकर रीजन क्या होते हैं, किस कारण से हो जाती है? सबसे पहले कारण तो यही है कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना, सही तरीके का भोजन ना लेना, कच्ची फल और सब्जियों का सेवन ना करना, बाहर की चीजें ज्यादा खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना। दूसरी चीज है, अगर आपको कभी कभार चोट लग जाती है, उसकी वजह से आपका खून ज़्यादा बह गया है, या फिर तीसरी चीज है आपके लीवर जो है उसका फंक्शन सही नहीं है, लीवर में किसी तरह की दिक्कत है, कोई बीमारी है आपके लीवर में, तो उसकी वजह से बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा है, जो आप खाते हो वो सही से नहीं पचता है, इस वजह से भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब अगर आप में अनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, अगर किसी खास बीमारी की वजह से हुई है, तब तो आपको बीमारी को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, बीमारी को ठीक करना चाहिए। जैसे आपकी बीमारी ठीक होती है तो आपके अंदर खून भी सही मात्रा में बनने लगेगा। लेकिन अगर किसी चोट की वजह से होता है, तो चोट जब ठीक होने लगे, आप चोट का ट्रीटमेंट करें, उसके साथ ही आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, तो उससे आपकी अनीमिया की जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। तीसरी चीज है, अगर आप पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, तो आपको अपने खाने में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व लेने चाहिए। अब ऐसे ही कुछ रेमेडी आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर जो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा को दिन प्रतिदिन बढ़ाती जाएगी। आपको जब भी आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आए दिन आपको स्फूर्ति महसूस होगी, जो थकान रहती है वो भी आपकी दूर होती चली जाएगी। तो नंबर वन रेमेडी है, आपने गेहूं का ज्वारा जो होता है वो लेना है, या आप घर में उगा सकते हैं, या अगर घर में नहीं उगाया है
तो आप बाहर से भी वीट ग्रास जूस ले सकते हैं, उसके साथ आपने मिलाना है विटामिन सी यानी कि आंवले का रस। आंवले के रस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और वीट ग्रास जूस में आयरन होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम एक साथ लेते हैं और इस जूस का सेवन करते हैं तो हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो लेना कितनी मात्रा में, 30 ml आपको वीट ग्रास जूस लेना है और 30 ml ही आपको आंवले का रस लेना है। अगर आप अपने घर में ताज़ा बना सको तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन आप बाहर से भी सीसी लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो 30-30 ml आपने दोनों की लेकर के उसको एक साथ सुबह नाश्ते के साथ लेना है। दूसरी रेमेडी के लिए आपको चुकंदर लेनी है और चुकंदर के साथ उसके पत्ते भी ले ले तो बहुत अच्छा है। उसके पत्तों को चुकंदर को एक साथ मिला के आप उसका जूस निकाल लेंगे और उसका जूस निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके आप इसका खाली पेट सेवन कर लेंगे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा तेजी से बढ़ने लगेगी। तीसरी चीज है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश, अंजीर और खजूर इनको ले ले, 5-10 किशमिश ले ले, एक अंजीर ले ले और 3-4 खजूर ले ले। इनको आप दूध में दिन के समय में डुबो करके रख दे और रात के समय में इस दूध को, दूध आपका 250 ml के करीब होना चाहिए, और इन तीनों चीजों को दूध के साथ उबाले। 2-3 उबाल आने के बाद दूध को उतार ले और जब दूध गुनगुना रह जाए तो दूध के साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका भी सेवन करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी तेजी से बढ़ेगी। इनमें से कोई भी अगर दो फॉर्मूले आप यूज करते हैं तो दो बेस्ट हैं और तेजी से आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका जो एनीमिया है वो चाहे कितने भी दिन से है वो खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।